क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 13.2 और क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबा एक बर्तन है जिसमें पानी गर्म रहता है, उसमें 28 मीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप रखा गया है। मान लीजिए बर्तन है और इस बर्तन के अंदर एक पाइप है, जो पाइप जो है वह सिलेंड्रिकल पाइप है। कैसा पाइप है? सिलेंड्रिकल पाइप है जिसका लेंथ जो है, ध्यान से समझना, जिसका लेंथ जो है 28 मीटर है। क्या लेंथ है? 28 मीटर है और इसका जो व्यास है, डायमीटर है, व्यास जिसको डायमीटर कहते हैं, यह जो है वह है 5 सेंटीमीटर का। एक बर्तन, उसके बीच में ऐसा पाइप है, यह पाइप गर्म होता है ताकि उसके अंदर रखा हुआ पानी क्या रहे, गर्म रह सके। ठीक है, इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कितना क्षेत्रफल है, कुल कितना क्षेत्रफल है जो गर्म करेगा पानी को, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, तो पानी के टच में नहीं होगा हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा टच में रहेगा, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया लगाएंगे और इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। तो इसमें क्या क्या गिवन है वो चीज हम लिख लेते हैं। देखो, संयंत्र की जो लंबाई है क्या है, बेलनाकार है, वो सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल जिसको कहते हैं बेलनाकार को, बेलनाकार संयंत्र की लंबाई, लंबाई जिसको हम लोग हाइट एच से डिनोट करते हैं, वह कितना है, तो 28 मीटर। 28 मीटर को लिख सकते हैं हम लोग 2800 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं 2800 सेंटीमीटर, क्योंकि अपना व्यास जो है सेंटीमीटर में है, जबकि व्यास जो है इसका यानी डायमीटर जो है वह है 5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस जो होता है वह डायमीटर का आधा होता है। रेडियस यानी कि त्रिज्या, डायमीटर का हाफ होता है यानी 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आगे देखते हैं, गर्म करने वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो गर्मी देने वाले, इसलिए लिखेंगे गर्मी देने वाले कुल भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गर्मी देने वाला भाग कर्व एरिया है इसका, कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी फॉर्मूला बैठेगा 2πRh। 2π का वैल्यू नहीं दिया हो क्वेश्चन में, 22/7 रखते हैं, जबकि रेडियस जो है 5/2 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना है, तो 2800 सेंटीमीटर है। ये 2 से 2 कैंसिल और ये 7 के टेबल में कितना टाइम्स कैंसिल हो जाता है, 400 टाइम्स कैंसिल। ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 110, 110 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है, और पहले से 00 और था, यह बन जाता है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखना, क्या बोले थे, स्क्वायर हो तो 100 कितना टाइम्स डिवाइड होगा, 2 टाइम्स, तो बन जाएगा यह मीटर स्क्वायर। 20 से 20 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और डिवाइड किए तो आ गया 4.4 मीटर स्क्वायर। यही अपना फाइनल आंसर है, चलो इसको कर लो नोट।